Latest study of WHO says corona is not airborne, but there are certain sections of experts who believe that it is airborne. Is there any confusion on these two statements? नहीं, कन्फ्यूजन तो देखो, एक तो हमने ये समझना है साइंस में जो जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ लोगों के फॉर ओपिनियन रहेंगे, कुछ के अगेंस्ट भी रह सकते हैं, लेकिन हमको एक बैलेंस्ड एविडेंस बेस्ड जब हम अप्रोच लेते हैं तो हमको लेना पड़ेगा। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बोलता हूँ, ये सही मानों में अगर एयरबॉर्न होता था इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो कोई भी फैमिली में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव आना चाहिए। वो तो वही माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में वो जो पेशेंट है वो भी सांस ले रहा है और हवा छोड़ते ही जा रहा है। दूसरी बात हमको एक समझना चाहिए कि समझो ये भी नहीं होता था, हॉस्पिटल के अंदर जब कोई मरीज एडमिट होते हैं उनमें कुछ लोग ये कोविड 19 की बीमारी हुई है या नहीं हुई है, 6-8 घंटे एक साथ पड़े, वो सारे मरीज उनको तो एक्सपोजर, जो दूसरे बाजू जो एडमिट हुए वाले मरीज हैं उनको भी तो इसका एक्सपोजर रहता था, उनको भी नहीं होता है। हमको एक भरोसा बहुत रखना है, कुछ कुछ चीज़ें इसके डिसीशंस जो होते हैं ना कोई एक्सपेरिमेंट्स पे होते हैं, जैसे कोई लोग गोल्डबर्ग ड्रम करके ड्रम होता है वो ड्रम के अंदर देखना देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये विषाणु हवा से फैलेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल ढंग होता है क्योंकि वो ड्रम के अंदर हम देखने जा रहे हैं, वहाँ आपको कुछ भी दिखे उसमें सस्पेंशन पार्टिकल साइज जो होती है बहुत कम रहती है। हमको एक समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हम हमारी भाषा में बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी बोलते हैं, कि एक अंदाज कि ये सही में दिखता है या नहीं दिखता है। मैंने जैसे कहा फैमिली में के पूरे मेंबर्स पॉजिटिव हुए ये देखने का चांस उतना ही कम है, कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज उधर एडमिट हुआ करके सब लोगों को लगने का भी हमने कभी इतना देखा नहीं है। आज तो 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस हुए हैं, अगर इस किस्म के केसेस अभी नहीं दिखे तो मेरे मन में जो चीज़ है, मैं इसे न्यूज़ जो हवा में आती है उस पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, जो एविडेंस है उसके ऊपर भरोसा रखिए। मिस्टर नीलू रंजन, या प्लीज जस्ट लेट द क्वेश्चन कम, मिस्टर नीलू रंजन।